हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है बच्चों? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चे, आपके साथ मैंने जीएसटी स्टार्ट करा था और हम लोगों ने एक क्लास जीएसटी की देख भी ली थी सर। और उसके अंदर मैंने क्या डिस्कस करा था आपके साथ कि सर जीएसटी के अंदर किस चीज़ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी थी। बट मुद्दे की बात क्या है सर, क्लास वन हो गई थी, आज आपकी क्लास टू है। क्लास टू के अंदर मैं आपके साथ आज क्या क्या कवर करने वाला हूँ एक बार सुन लो। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी ख़त्म हो जाएगा सर, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में, दैट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वो मैं आज ख़त्म करूँगा। और अगर एनर्जी बनी रही तो सर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई भी शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है आपकी, अराउंड 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे की क्लास होगी सर, ठीक है। तो आइए सर, हम लोगों ने जीएसटी में क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? आपने पढ़ा था कि जो जीएसटी है इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था सर, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें बर्डन जो है कस्टमर को शिफ्ट हो जाता है। इसको किसने लगाया? लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सर दोनों ने लगाया। हाँ बेटे, वो आज हम देखेंगे कि मैं कैसे ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है। देन किस चीज पे लगाए? इट इज लेविड ऑन सप्लाई, इट इज लेविड ऑन सप्लाई। सप्लाई का मतलब बच्चे अलग से पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, लेकिन समझना सप्लाई अभी मतलब कि बेचना, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो ये हमने कुछ बातें देखी थी। आइए, तो हम लोगों ने क्या था सर, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि आप सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो? गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो बाय अ टैक्सेबल पर्सन, क्लियर है साहब? हाँ जी। आइए सर, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ देखा हो। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। मेरी लास्ट क्लास तो देख ही लोगे सर। हमने प्री जीएसटी एरा देखा था, जिसमें हमने देखा था एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम्स होता था। एक्साइज ड्यूटी तो हट गया, कस्टम्स अभी भी है। वैट होता था, सीएसटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, ये हट गए। देन ये सारे हटकर किसमें सब्स्यूम हो गए थे सर? जीएसटी में। और मैंने आपको इनवॉइस की पूरी चेन करा दी थी प्री जीएसटी एरा, जिसमें हम देखते थे कि भाई क्रेडिट पूरा मिलता नहीं था तो कॉस्ट में घुस जाता था, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसका हम लोगों ने आईटीसी रूल करे थे फ्रंट एंड पर। बैक एंड पे मैंने आपको कहानी जो सिखाई थी वो तो अलग थी, आपस बैक एंड पे तो झगड़ा था इन लोग का, सेंट्रल स्टेट का। लेकिन फ्रंट एंड पर मैं सिर्फ एक समरी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि रेलेवेंट है। फ्रंट एंड पर सीजीएसटी का आईटीसी, आपके पास क्या पड़ा हुआ है सर? सीजीएसटी का आईटीसी, क्या वो सीजीएसटी की लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा? हो जाएगा सर। क्या वो आईजीएसटी की लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब, है ना। देन एसजीएसटी का आईटीसी, क्या वो एसजीएसटी की लायबिलिटी से सेट ऑफ हो जाएगा? हाँ सर, मेरी कुछ लायबिलिटी है, माइनस हो जाएगा क्रेडिट। क्या वो आईजीएसटी की लायबिलिटी से भी माइनस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर हम लोगों ने देखा था आईजीएसटी का आईटीसी, क्या वो आईजीएसटी से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।
क्या वो CGST से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या वो SGST से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बातें हम कंक्लूड कर चुके हैं। और ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से क्या हुआ था सर, हर बार टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था और कुछ भी कॉस्ट में नहीं घुसाता सर। चेन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस करा था सप्लाई दो टाइप की होती है। हाँ जी, सप्लाई दो टाइप की होती थी, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, याद है? या तो होता था इंट्रा या फिर इंटर। इंट्रा में बताओ बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं CGST लगता था और सर SGST लगता था, और SGST के साथ साथ UTGST भी आप बोल सकते हो, मतलब इन दोनों में से कोई एक लगता था। तो सिमिलरली SGST का ITC लिखा है ना मैंने, ITC SE UTGST, सेम, या तो SGST या UTGST या IGST, और अगर इंटर होता था तो IGST। क्या मैं बोल सकता हूँ CGST का जो भी रेट होगा, अगर 10 है, इसका 10 है, तो IGST कितना होगा? 20। तो ये हम लोगों ने बातें कर ली थी सर। बिल्कुल सर, यहाँ तक बात कर ली थी। और क्या डिस्कस करा था हमने? बस यही करा था, है ना? और इनवॉइसिंग चेन डिस्कस करी थी, और आपको मैंने बता दिया था कि भाई देखने के लिए तो CGST और SGST तो दुश्मन है, और दिखाने के लिए क्या है, IGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो इसकी फ्रेंड है। लेकिन बैकएंड में इनका झगड़ा था, आपने देखा था कि ये ट्रांसफर कर देते थे पैसे को। ठीक है, तो मैं उसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा सर, वो ऑलरेडी, अगर आपको उसमें डाउट है तो भाई साहब क्लास नंबर 1 देख लो। ठीक है, आइए अब मैं आपके साथ आगे की कहानी बढ़ा रहा हूं सर। हाँ जी बच्चे, अब मेरे को आपके साथ अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारी चीज़ें थियोरेटिकल लेवल पे डिस्कस करनी है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो मैं उन नोट्स के थ्रू आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ अब GST जो है एकदम बिगनिंग से, उसकी हिस्ट्री क्या है सर। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, GST एक टैक्स है और ये टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है सर। हाँ सर, बिल्कुल लगा रही है, और सेंटर भी लगा रही है और स्टेट भी लगा रही है। हाँ सर, बिल्कुल लगा रही है, लेकिन बेटे इस चीज की परमिशन किसने दी सरकार को? आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि जो टैक्स चाहे लगा ले? बताइए, क्या इतनी पावर है गवर्नमेंट के पास? सर, गवर्नमेंट से भी ऊपर होता है हमारा संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सीधा टैक्स लगा सके। भाई साहब, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन से परमिशन ना ली जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट ना करो। सर अमेंडमेंट क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले से ही लिखा होगा GST क्यों बेटे? कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है B.R. अंबेडकर जी ने, क्या उनको सपना आएगा कि 2017 के अंदर GST आना है? या कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होते? सर ऐसा थोड़ा ना है सर, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, नई नई सिचुएशंस फेस करता है, और कई चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट को लाने से पहले देखना पड़ता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑलरेडी है। अगर तो ऑलरेडी है तो ठीक है,
तो अलाउड है, और अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है बेटा, और जीएसटी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यानी कि आप तक अगर कोई भी टैक्स आता है तो सबसे पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस करा जाता है, जन्म होता है यहां पर बेटे किसी भी टैक्स का, उसके बाद खेल शुरू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कि भाई ये वाला टैक्स किसका है, ये वाला टैक्स किसका है, और ऑब्वियसली ये सोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। मेरे कहने का मतलब है जीएसटी का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सर काय बात की अमेंडमेंट? सर अमेंडमेंट इस बात की बेटे कि जीएसटी एक टैक्स आएगा, ये बात क्या लिखी होगी, कहाँ लिखी होगी? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अच्छा मतलब सर ये अमेंडमेंट हुई। हाँ बेटा ये अमेंडमेंट जो होती है ये कहाँ होती है? ये होती है बच्चे पार्लियामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोल रहा है कि अगर आपने मेरे को अमेंड करना है तो आपको कहाँ करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब सबसे बड़ा हर्डल, सबसे पहला हर्डल क्या था कि जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाना, और कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए थी जो कि मिल गई थी। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि भाई इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूवल दे दी टैक्स की, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। अब अगला सवाल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट्स, अब ये जो टैक्स है ये लेगा कौन? आप समझ रहे हो, ये टैक्स कौन लेगा? सेंटर बोलेगी मैं लूंगी, स्टेट बोलेगी मैं लूंगा, तो ये बात भी डिसाइड किसको करनी पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स का अप्रूवल हुआ था तो बेटे उसी के साथ ही ये बातें भी डिसाइड हो जाती हैं कि कौन कितना टैक्स लेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये आपस में सेंटर और स्टेट के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, ये दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाएगा कि कौन सा टैक्स कितना पोर्शन किसको जाएगा। जैसे कि आप देखते हो सीजीएसटी लगा होता है 50, जब आप मान लो सीजीएसटी 2.5% लगा होता है, आप पिज्जा बर्गर खाते हो 2.5%, एसजीएसटी भी 2.5%, तो ये क्या मतलब सेंटर और स्टेट ने आपस में डील करी हुई है? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि सेंटर आधा लेगा और स्टेट आधा लेगा। तो बच्चे इस तरीके से आपका जो है जीएसटी आया, पहले जीएसटी ने कौन सा दरवाजा खोला? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जब ये खुला तो उसके बाद जब परमिशन मिल गई कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तब जाके बेटा लॉ बना। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले परमिशन मिली, जब परमिशन मिल गई तो लॉ बन गया, और लॉ का दरवाजा खुलते ही पब्लिक के ऊपर ये लग गया। आई होप आपको क्लियर है कि जीएसटी ने कैसे रास्ता अपना तय करा हुआ है। सर हाँ सर क्लियर। आइए तो अब मैं आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ, और एक चीज बोलता हूँ, इट वॉज नॉट ईजी कि जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री मिले, एंड इट वॉज नॉट ईजी कि टैक्स आधा सेंटर लेगी आधा स्टेट लेगी इन टर्म्स पे माना जाए। हालांकि सारी स्टेट्स मानी, तभी तो पार्लियामेंट में पास हुआ। पार्लियामेंट क्या होता है बेटा? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा मतलब उसमें तो चलो बीजेपी सरकार है, राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स थी, लेकिन उनको मानना पड़ा बेटा। सर ये डिफिकल्ट क्यों था? भाई मैं तुमको बता चुका हूँ कि पुराना स्ट्रक्चर बंद कर देंगे, यानी कि टेक्निकली आप स्टेट्स को बोल रहे हो कि तुम्हारा वैट बंद, जो कंटिन्यूस तुम्हारा इनफ्लो आ रहा था 20 साल से, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बंद, अब एक नया दरवाजा खुलेगा जीएसटी का। मुझे बताइए क्या स्टेट्स बहुत कंफर्टेबल होंगी इन चीजों को लेके? आपको अगर मैं बोलूं, आपका कोर्स चल रहा है सीएससी सीएमए, मैं बोलूं कि भाई ये वाला ओल्ड सिलेबस हो गया, आपको न्यू सिलेबस में जाना है, और बोलूंगा वो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा आपके करियर के लिए, बट सर स्टार्टिंग में तो आप मना ही करोगे ना, नेचुरल बात है ना सर। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट वाज जीएसटी? जीएसटी वाज पुराने टैक्स हटाओ और नया लाओ।
और टेक्निकली तुम स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हो कि तुम अपना पुराना टैक्स हटा दो। स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा टैक्स था? वैट। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे को जो वैट से कमाई आती है वो बंद कर दो, जीएसटी से आएगी, तो कोई भी स्टेट क्यों मानेगी बेटा? ये प्रॉब्लम थी सर, और ये बड़ी ही हिम्मत का काम था कि आपने स्टेट्स से मनवाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी। भाई साहब, अमेंडमेंट सिर्फ बीजेपी वाले थोड़ा ना करेंगे, अलग अलग स्टेट पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने मिलकर अमेंडमेंट करनी है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये एंट्री डलवानी है। तो भाई साहब, इनसे भी अप्रूवल चाहिए, इनसे भी अप्रूवल चाहिए, तो वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद ये बट डिसाइड करना कि आधा सेंटर आधा स्टेट, वॉज अ डिफिकल्ट, बट यस इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो इट वॉज अ बिग थिंग। बताइए, क्लियर है? आइए, अब मैं आपके साथ आ रहा हूँ नोट्स पर सर। सबसे पहले हिस्ट्री, लाइक हाउ जीएसटी स्टार्टेड। बच्चे आप इसका नोट करोगे आप इन चीज़ों को, हालांकि मेरे नोट्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये नोट्स रेफर कर लो और आप एग्जाम देने चले जाओ। ये मैंने आपको समझाने के लिए, मेरी क्लास की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए मैंने आपको नोट्स दिए हैं। यस, मैक्सिमम कवरेज है इसमें, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट कवरेज। मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए जो भी नोट्स रिलेवेंट है वो वाले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आइए। तो ये क्या है सर? हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। साल 2000 में, ईयर 2000, सर जीएसटी तो 2017 में, बेटे बहुत पुरानी सरकार है, कांग्रेस सरकार भी चाहती थी जीएसटी लाना। ठीक है, ईयर 2000 में क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या करा कि यार जीएसटी आना चाहिए। 2003 में फिर क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म टास्क फोर्स, एक टास्क फोर्स बनाई गई। किसके अंडर सर? विजय केलकर। सर क्या एग्जाम में आता है? एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट ये आपको पता होना चाहिए। 2003 में विजय केलकर जी के अंडर एक टास्क फोर्स बनाई गई। 2004 में विजय केलकर जी ने बोला भाई साहब जीएसटी आना चाहिए तो पूरा आना चाहिए। तो 2004 में पूरा एनालिसिस करके ये था, जीएसटी आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि 5 स्टेट लगा रही है, 10 स्टेट नहीं लगा रही, सेंट्रल लगा रही है, स्टेट नहीं लगा रही है, स्टेट लगा रही है सेंट्रल, आएगा तो पूरा आएगा भाई साहब। यही कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन टैक्स का, कि पूरा जीएसटी लाया जाएगा। देन 2006-07 में चिदंबरम जी ने अनाउंस इन इस बजट, अपने बजट में 2006-07 के, दैट जीएसटी वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/10/2014-2010। चिदंबरम जी ने बोल दिया हमारी टीम काम कर रही है और 1/4/2010 से जीएसटी आ जाएगा। क्या 1/4/2010 से आया? नहीं, कांग्रेस से ना हो पाया बेटा। 1/4/2010 भी आ गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर पाए वो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। चिदंबरम जी लॉ बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का परमिशन तो ले लो, नहीं ले पाए वो। क्यों नहीं ले पाए सर? भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो पार्लियामेंट में पास होगा, पार्लियामेंट में पास करना है तो लोकसभा से भी और राज्यसभा भी अप्रूवल लेनी है, नहीं मिली भाई साहब अप्रूवल। ठीक है, तो नहीं हो पाया सर। फिर आए मोदी सरकार 2014। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का बिल पास कर दिया भाई साहब, 122nd अमेंडमेंट बिल 2014, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस करना चाहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है सर? जीएसटी की कौन सी अमेंडमेंट थी वो रेफर करी थी? 122nd अमेंडमेंट ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट। 2015 में लोकसभा ने पास कर दिया बिल, 2014 में अमेंडमेंट डाली थी, 15 में लोकसभा ने कर दिया, 2016 में राज्यसभा ने कर दिया, 3 अगस्त 2016। डेट याद रखने कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दी बेटा। कोई भी चीज़ पार्लियामेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीन चीज़ें होती हैं। हम बोलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, नहीं, विकिपीडिया पे जाके देखो पार्लियामेंट का मतलब लिखा है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो लोकसभा से भी अप्रूवल, राज्यसभा से अप्रूवल, प्रेसिडेंट से अप्रूवल।
इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया तुमने। इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो आपको ये वाली अमेंडमेंट ध्यान रखनी है, दैट वॉज 101st अमेंडमेंट ऑफ 2016, विच पेव्ड द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो 2016 में 101 अमेंडमेंट थी सर, ये 101st, जिसमें लिख दिया था कि जीएसटी का रास्ता खोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। जाओ सरकारों, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लॉ बनाओ और इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दे दिया है। फिर क्या हुआ सर? फिर तो बस दिन रात लॉ बनने चालू हुए बेटा। ठीक है, कौन कौन से बने सर? अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से देखना। 2017 में, ठीक है, पहले हमेशा बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, जैसे ऐसे ही जब तक कोई भी चीज लॉ नहीं बनती तब तक उससे पहले उसको क्या बोला जाता है? बिल। जब वो लॉ बन जाता है तो उसे बोला जाता है एक्ट। ठीक है, तो कुछ बिल्स बनाएगा, सीजीएसटी बिल, फिर ये दिख रहा है एसजीएसटी बिल, आईजीएसटी बिल, यूटीजीएसटी बिल, ये तो अब आप नाम से फेमिलियर हो गए होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एक और था बेटा जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल। ठीक है, अब सर ये क्या लिखा है आपने? वो सर बेटा एक चीज बताना, सी जी एस टी जो है ना वो पूरे इंडिया पे लगेगा बेटा। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं दिल्ली में हूँ, मेरी दुकान है, मैं बेच रहा हूँ, तो सी जी एस टी लगता है? हाँ सर। उस चीज पे चलो मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सी जी एस टी का जो बिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, आई जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट, एस जी एस टी स्टेट गवर्नमेंट, यू टी जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट, जी एस टी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको समझ आ जाएगी ये बात। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पास दी एक्ट्स, उन्होंने इन बिल को पार्लियामेंट में पास करा। सिंपल सी बात है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के पास तो जाना नहीं, उन्होंने तो कहाँ जाना है, उन्होंने तो सीधा पार्लियामेंट में पास कराना। एंड बाय 30th of June ऑल दी एक्ट्स वर पास इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सर पार्लियामेंट का समझ आता है सर? बेटे एक चीज़ बहुत आराम से समझना, अगर आज दिल्ली में कोई भी लॉ आता है, जैसे सपोज करो दिल्ली सरकार कोई भी चेंजेस करती है, तो वो पार्लियामेंट में जाके परमिशन मांगेगी या वो स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है सर? स्टेट के मैटर्स जाते हैं वहाँ पर। जैसे कि आप येलो लाइन देखिए मेट्रो की, उसमें विधानसभा है, विधानसभा आता है ना, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली। ऐसी दिल्ली के जो भी मैटर्स हैं वो वहाँ से अप्रूवल लिए जाते हैं। उसमें मैक्सिमम कौन लोग बैठे हैं? आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल जी को कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि सेंट्रल लेवल को पूरे इंडिया पे लगाना होता है लॉ, और पूरे इंडिया पे लगाने के लिए लोकसभा भी और राज्यसभा भी, और राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। सर मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मेरे को जो लॉ पास करना है ना, मेरे को पार्लियामेंट थोड़ा जाना है, मेरे को तो स्टेट लेजिस्लेचर जाना है। पार्लियामेंट तब जाया जाता है बेटा जब आपको पूरे इंडिया पर एप्लीकेबिलिटी करनी पड़ती है। आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी लॉ है अगर उसको पास करवाना है, कॉन्स्टिट्यूशन, एज्यूमिंग कॉन्स्टिट्यूशन से मैं सारा काम करवा चुका हूं, उसको अगर पास कराना है, अगर आपने उसको पास करवाया पार्लियामेंट में, तो बेटा वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर में करवाया तो बेटा जिस भी स्टेट ने उसको पास करा है, रिस्पेक्टिव स्टेट ने, वहां पर एप्लीकेबल होता है। मुझे बताइए अगर केजरीवाल जी को कोई भी लॉ पास कराना है तो वो कहाँ पास करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर मोदी जी को कोई भी लॉ पास कराना है जो कि पूरे इंडिया पे लगे, वो कहाँ कराएंगे सर? पूरे इंडिया के लिए पार्लियामेंट। क्लियर है?
आइए, तो बेटा 1 जुलाई ये आपको पता होना चाहिए, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, GST was applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. सर रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये आप ये मत घबराना मत, ये वाली चीज जो है ना मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले इंडिया का मैं नक्शा तो डिस्कस कर लूंगा आपके साथ कि कितने एक्ट है क्या पास हुआ है, लेकिन आप ये लगा लो 1 जुलाई 2017 ये डेट्स क्या सर हमें याद रखनी है, ये वाली 30 जून ये कुछ याद नहीं करना बेटा, ये डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2017 GST was applicable to whole of India. 1 जुलाई 2017 से GST इंडिया में लागू हो गया था, मतलब 1 जुलाई को अगर मैं आपको कुछ बेचूंगा तो बेचने पर अब वैट नहीं लगेगा भाई, अब क्या लगेगा, GST. और सर जम्मू एंड कश्मीर में वो पास नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पास होने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट से भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भाई साहब उन्होंने कब तक दे दिया था, 8 जुलाई को GST वॉज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल. तो कुल मिलाकर बात क्या निकली, GST जो है पूरे इंडिया पर है सर, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हाँ हफ्ते बाद GST JNK में आया था, बताइए कोई दिक्कत. अब आ जाइए, ये मैंने हिस्ट्री बता दी आपको, इसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करता हूं मैं. आपको याद है मैंने अभी आपको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है कि बेटे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूवल लिए जाती है, फिर उसके बाद लॉ पास करा जाता है, सर ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है सर, बेटा ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में. आइए स्ट्रक्चर समझना, पावर टू लेवी टैक्स, एक सेकेंड, ठीक है सर. तो जैसा कि आपको मैं जो चीजें बता चुका हूं ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब हम उसको सिर्फ रीड कर रहे हो कहां लिखा हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो पावर टू लेवी टैक्स है एंड कलेक्ट टैक्स, वेदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इमर्जेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन से ही पहले जन्म होगा. आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्टिकल है बच्चे आर्टिकल 265, जो कहते हैं नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड, कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा ना ही, जब लगाया ही नहीं जाएगा तो कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ. एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ एक तरीका है टैक्स लगाने का और कलेक्ट करने का, दैट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ. अब सर ये अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या होता है, तो बेटा आर्टिकल नंबर 245 पर आ जाइए. द पावर टू इनैक्ट लॉ यानी कि आप कह सकते हो द अथॉरिटी ऑफ लॉ इज गिवन टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. पावर किसको दी गई है बेटा, पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को. पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर पार्लियामेंट में आप लॉ पास कराते हैं तो वो होल ऑफ इंडिया के लिए रेलिवेंट है, एंड एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. सर ये क्या है बच्चे, यूनियन टेरिटरी, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख दो सिर्फ यहां पर, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज में भी लॉ होता है. सर यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, अभी आएगी बेटा स्लाइड, लेकिन अभी थ्योरेटिकली सुन लो सिर्फ. यूनियन टेरिटरी में जो भी लॉ होगा वो कौन पास कराता है, पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर मेक्स लॉ फॉर द स्टेट. तो सर आर्टिकल 265 ने क्या बोला कि ना तो कोई भी टैक्स नहीं लग सकता एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है, अगर आपको कोई भी टैक्स लगाना है तो पार्लियामेंट में पास करें या फिर लेजिस्लेचर में पास करें, अगर पूरे इंडिया पे लगाना है तो पार्लियामेंट में पास करो, और अगर किसी स्टेट पे लगाना है तो उसी स्टेट की लेजिस्लेचर में पास करो.
आर्टिकल 246। अब सवाल ये है, ये तो पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले परमिशन लेनी है, फिर पार्लियामेंट में पास कराना है अगर इंडिया का है, फिर स्टेट में पास कराना है अगर रिस्पेक्टिव स्टेट में है। लेकिन सवाल ये है सर, एक टैक्स को लेके तो एक पोजीशन क्रिएट हो सकती है। क्या सेंटर बोलेगी इस टैक्स को मैं इंडिया पे लगाऊंगी, पूरा पूरे इंडिया से टैक्स कलेक्ट करूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई मैं इस टैक्स को अपने पास रखना चाहती हूँ, और अपने पास रखने के लिए पार्लियामेंट में पास कराऊंगी ताकि पूरे इंडिया पे लग जाए। और स्टेट कहेगी नहीं, इस टैक्स को मैं अपने स्टेट में पास कराऊंगी। क्या मैं कह सकता हूँ झगड़ा है? हाँ सर। तो ये झगड़े को भी सुलझाया कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 246 ने। इट गिव्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। बेटा टैक्स का नाम और उसको कलेक्ट कौन करेगा, ये लिख दिया गया आर्टिकल 246 में, ताकि डिस्प्यूट ना हो टू द यूनियन एंड द स्टेट्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। जैसे कि सेवेंथ स्केड्यूल है बच्चे, सेवेंथ स्केड्यूल टू आर्टिकल 246 आपको याद रखना है। सेवेंथ स्केड्यूल के अंदर लिस्ट वन है, लिस्ट टू है एंड लिस्ट थ्री है। लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट के नीचे वो एंट्रीज हैं जो जिसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, इनकम सॉरी जिसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट मतलब कि ये वाले टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ये वाले टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो भाई वो तो पूरे इंडिया पे राज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर पूरे इंडिया का ऊपर अगर उसको राज करना है तो टैक्स भी पूरे इंडिया पे ही लगाएगी, और अगर पूरे इंडिया पर लगाएगी तो सर उसको कहाँ पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में। तो बेटा लिस्ट वन में जो भी टैक्सेस लिखे हुए हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, मैं तो जरा से लिखे हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ पास हुए होंगे, पार्लियामेंट में सर, ठीक है। तो ये एंट्री नंबर 82 क्या कहता है सर, इनकम टैक्स। ध्यान से सुनना, सेवेंथ स्केड्यूल टू आर्टिकल 246। एक आर्टिकल 246 है, उसके अंदर सेवेंथ स्केड्यूल है, उसके अंदर लिस्ट वन है, जिसके अंदर ये एंट्री नंबर 82 है जो ये डिफाइन करती है कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। यहां से हुआ है जन्म। जब मैं आपको ये बोलता हूं ना कि सर इनकम टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री नंबर 82। फिर एक एंट्री नंबर 83 है जो कि क्या कहती है बेटा, कस्टम्स। तो कस्टम्स भी कौन ले रहा है, इनकम सॉरी कस्टम भी कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आइए देन लिस्ट नंबर टू। लिस्ट नंबर टू बताता है स्टेट लिस्ट। इसमें बेटा एक एंट्री नंबर 54 थी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट चलो लिखना चाहो लिख लो। एंट्री नंबर 54 वो किसके ऊपर थी बेटा, टैक्स ऑन सेल्स। याद करो, सेल्स जब होती है तो वैट लगता था, वैट किसका रेवेन्यू होता था, स्टेट का, इसलिए वो एंट्री नंबर 54 में, एंट्री नंबर 54 आप यहां पे लिख सकते हैं, वैट, VAT, वैट, ये स्टेट लिस्ट में था कि भाई अगर तुम्हारी स्टेट में कुछ भी बिकेगा तो उस पे वैट लगेगा, और वो किसका रेवेन्यू होगा, स्टेट का। एंड लिस्ट थ्री इज कॉन्करेंट, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके टैक्स लेंगे, और सर इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? बोलिए सर, बोलिए 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 बोलिए। कुल मिलाकर मैं आपको ये कह रहा हूं, लॉ बनाना अपनी जगह होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन ली जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन कैसे दी, फाइनली ये एंट्री डाल के कि इनकम टैक्स सेंट्रल ले लेना, कस्टम सेंट्रल ले लेना, वैट स्टेट ले लेना, ठीक है। और लिस्ट नंबर थ्री कैसे, नो एंट्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अब सवाल ये है कि सर इनकम टैक्स इंडिया में इसलिए आया, अगर मैं इनकम टैक्स की जर्नी डिस्कस करूं, अब आपको रिलेट होना चाहिए सर, अब मैं आखिरी कड़ी पर आ चुका हूं, इनकम टैक्स आप बच्चे पढ़ भी चुके हो, तो मैं आपसे जर्नी डिस्कस करता हूं। इनकम टैक्स सबसे पहले क्या हुआ होगा सर, एंट्री नंबर 82, कहने से ये इस टैक्स का बर्थ हुआ, और जिसमें ये पता लग गया कि ये किसका रेवेन्यू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं, स्केड्यूल 7। अगर मैं आपसे बात करूँ Schedule 7 ऑफ आर्टिकल 246, ठीक है, तो बेसिकली Schedule 7 ऑफ आर्टिकल 246 बताता है कि भाई साहब उसके अंदर भी फर्दर अगर मैं बोलूँ, List 1 जो कि बताता है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट ये बताता है कि भाई साहब एंट्री नंबर 82 के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे दिया जाएगा, ठीक है सर। दूसरी बात सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो खत्म हो गई बात, नहीं बेटा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट जाग जाती है, हमारा लिस्ट वन में एक नया टैक्स अलाउ किया गया है, लॉ बनाइए, इनकम टैक्स लॉ बना दिया भाई साहब, पूरा इनकम टैक्स लॉ बनाया सर, एप्लीकेबल हो गया नहीं। अब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, अब वो पार्लियामेंट में जाकर उस लॉ को प्रेजेंट करेगा। सर ये बातें आपको आती हैं पर फिर भी मैं लिख रहा हूं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। आपको परमिशन मिल गई टैक्स बनाने की, यस। अब क्या होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करेगा सर, दे वुड प्रेजेंट द लॉ इन पार्लियामेंट कि जी हमने बढ़िया सा लॉ बनाया है, पास कर दो जी पार्लियामेंट, पूरे इंडिया पे लगाएंगे, लोकसभा राज्यसभा, बहुत ही मुश्किल हुई होगी सर। आप, मैं आपको इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, जीएसटी के अंदर देखो, जीएसटी के अंदर परमिशन मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट करा होगा, तो एक और दिक्कत ये प्रेजेंट करने की, फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल ली होगी, और भाई साहब हालांकि इसको बिल बोला जाता है पहले, क्या हो जाता है देन, ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैं बहुत बार बातें कर चुका हूँ, बिल बिकम्स एक्ट और आम जनता के ऊपर लगना चालू हो जाता है। बताइए ये रहता है सर किसी भी टैक्स का आम जनता तक पहुंचने तक का रास्ता, पहले करवाओ जी कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, फिर जब चेंजेस हो जाए तो पार्लियामेंट में आपको बिल पास कराना पड़ता है, और वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट, और जैसे ही बन गया एक्ट तो लोगों के ऊपर लग जाता है। सर आपकी सारी बातें समझ आती हैं, आप सिर्फ इतनी बात बता दो कि जीएसटी लिस्ट वन में है, आप इतनी बात बता दो सर कि जीएसटी की भी जर्नी डिस्कस कर लें। बेटा क्या मैं कह सकता हूँ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने पढ़ा था? हाँ हाँ सर पढ़ा था। उसके बाद सर लेकिन जैसे आपने बताया आर्टिकल 246 है, तो लिस्ट वन, लिस्ट टू या लिस्ट थ्री कहीं तो लिखा गया होगा ना सर कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है, और ये कॉन्करेंट है,
कॉन्करेंट मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों लगाएंगे। तो मुझे बताइए, जनरल बात करता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है? हाँ सर। तो क्या कह सकता हूँ सिर्फ सेंटर का तो नहीं है, सिर्फ स्टेट का भी नहीं है, लेकिन सर कॉन्करेंट मतलब जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है तो लॉजिकली तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ भी नहीं है, यानी कि जीएसटी की कोई भी एंट्री है ही नहीं। तो फिर कैसे आ रहा है सर जीएसटी, जन्म ही नहीं हुआ फिर तो? बेटा ऐसे हुआ, एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 246A, जो कि कहता है पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसी के अंदर ही बोलता है बेटा, मैंने तो आपसे सिर्फ ये आर्टिकल की दो लाइनें डिस्कस कर रहा हूं, अब सुन लो, इसके अंदर ही लिखा हुआ है कि भाई साहब जीएसटी जो है उसकी पावर दी जाती है आर्टिकल 246A में, सीजीएसटी पार्लियामेंट का मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर, एसजीएसटी स्टेट्स का मैटर, आईजीएसटी सेंटर का मैटर, और आईजीएसटी के लिए 269A डाला गया, जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जीएसटी ऑन, फोकस रखना, इंटरस्टेट सप्लाई किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बोला है सर? आर्टिकल 269A। सर एक आर्टिकल 279A है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 है जो कि पावर देता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। आई होप आपको क्लियर है। हाँ सर। बेटा अभी आप ना सिर्फ कड़ी जोड़ते रहो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी तक मैंने आपके साथ जो भी बातें करी, मैंने आपके साथ पहले हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, कौन से साल में क्या हुआ कैसे हुआ, उसके बाद मैंने आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन डिस्कस कर लिए, अब मैं फाइनल कड़ी जोड़ रहा हूँ, तो अब आपकी ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। आइए, चल रही है क्लास, हाँ जी। अब मैं आपके साथ कितने लॉज आए हैं, क्या है, सारी बातें करता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं दोबारा से बिगिनिंग से करेंगे सर, पुराना बैकएंड का कुछ मत सोचना। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर जीएसटी जो है इंडिया पर है? सिर्फ इतनी लाइन पे ध्यान देना, अपने आप लिंकिंग होती जाएगी। जीएसटी जो है पूरे इंडिया पे लगा है। हाँ सर। इंडिया बोले तो बेटा 28 स्टेट्स। जितने बच्चों ने मेरी पहले नोट्स अगर चाहे लिए भी हुए वो अपडेट कर लेना, फैन तेज कर देना प्लीज, फैन तेज कर, ठीक है? जितने बच्चों ने पहले क्लास ली हुई है, इवन इफ अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो भी आप उसको अपडेट करना, थोड़े से चेंजेस है, क्योंकि सर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में कुछ बातें हुई थी, ठीक है? तो वो देखेंगे अभी। जो इंडिया है दैट कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स, भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूटीज मींस यूनियन टेरिटरी, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इंडिया। इंडिया कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? 8 यूनियन टेरिटरीज में से बच्चे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो एकदम स्टेट जैसा काम कर रही हैं, यानी कि विद लेजिस्लेचर, मतलब एकदम उन स्टेट्स का, उन यूनियन टेरिटरीज का अपना चीफ मिनिस्टर है। सर वो कौन कौन सी है? दिल्ली, मुझे आपके सामने ही एग्जांपल सर, यूनियन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन जो एकदम स्टेट के जैसे ऑपरेशन करती है। सर मतलब हमें समझ नहीं आया बेटे, दिल्ली का जो है चीफ मिनिस्टर है, हाँ सर है, लेकिन आप देखो दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंटर चला रही है बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंटर ने अपने पास रखी हुई है और कुछ चीज़ें स्टेट को दी हुई, समझ रहे हो? तो इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल, ये वाली स्टेट्स में क्या होगा, जैसे महाराष्ट्र है उसमें बेटा क्या होगा, महाराष्ट्र का पूरा कंट्रोल होगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है बेटा, सेंटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है थोड़ी ज़्यादा, ठीक है? तो दिल्ली हो गया हमारा विद लेजिस्लेचर, पुडुचेरी, पांडिचेरी नहीं है ये, पुडुचेरी है, एंड जम्मू एंड कश्मीर ये अभी हुआ है बेटा,
ये सारी की सारी यही तो है, सेंटर ने अपने पास रख लिए चीज़ों को। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अब जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। आ जाओ बेटा, यूनियन टेरिटरी मतलब सेंटर के अंडर। मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर को पकड़ लिया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर कहाँ थी, स्टेट्स में। तो भाई वो स्टेट जो भी करती थी, मोदी जी मजबूर थे कि यार अब मैं क्या बोलूँ। अब उन्होंने क्या करा, उस स्टेट को खींच के यूनियन टेरिटरी बना दिया सर, समझ रहे हो। अब विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब ये वाले यूनियन टेरिटरीज, इसमें तो कोई स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। ये यूनियन टेरिटरीज क्या है सर, ये किसी स्टेट में नहीं आती, कुछ नहीं है। ये कुछ एरियाज हैं जो कि किसके अंडर आ जाएंगे, अपने आप सेंटर के अंडर आ जाएंगे। लद्दाख, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है बेटा। दादर एंड नागर, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको क्या ये याद रखने हैं? हाँ सर, हाँ आपको याद रखने हैं। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 जिसमें स्टेट जैसा काम चलता है काफ़ी हद तक, और बाकी 5 क्या है सर, जो सेंटर के अंडर है। यूनियन टेरिटरी का मतलब भाई सेंटर का कंट्रोल आ जाता है उसमें। दिल्ली, पांडिचेरी, J&K, ये स्टेट जैसा चल रहा है, बाकी 5 जो है सेंटर जैसा चल रहा है। क्लियर है? अब मैं आपसे पुराना, सर GST जो है सेंटर भी ले रही है, स्टेट भी ले रही है, और सर एक UT GST भी है, तो यूनियन टेरिटरीज पर भी है सर। हाँ सर, तो सर ये कैसे, मतलब कौन सा चीज़ें पार्लियामेंट में पास होंगी, कौन सी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो। क्योंकि अब एक चीज़ समझो, अगर मुझे स्टेट में कोई चीज़ लगानी है सिर्फ, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगी। अगर मुझे पूरे इंडिया पे लगानी है तो वो पार्लियामेंट में जाएगी। तो आइए, कितनी एक्ट्स बने बेटा। CGST एक एक्ट बना, कितना एक्ट बना, एक बेटा। पूरे इंडिया में आप कहीं भी बेचोगे, मेरी दिल्ली में दुकान है, या मेरी लखनऊ में दुकान है, मेरी महाराष्ट्र में दुकान है, मेरी बिहार में दुकान है, जो भी इंसान बेचेगा CGST तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि पूरे इंडिया में एक ही पास हुआ है, ये सीधा पार्लियामेंट में जाके पास हुआ बच्चे, समझ रहे हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला क्लियर है। उसके बाद IGST, IGST एक ही लॉ पास हो रखा है बेटा, और ये पूरे इंडिया पर है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में करोगे तो IGST लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने पास रखा है। अभी अभी आपने आर्टिकल 269A भी पढ़ा था, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ, इसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 269A अभी हमने करा था, जिसमें क्या था कि IGST के रूल बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में पास करेगी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ स्टेट्स पर। 28 स्टेटें हैं सर, 28 की 28 स्टेटों से वैट की पावर छीन ली आपने। उन्होंने कहा हमने वैट छोड़ा तो हमें क्या मिला, SGST। तो भाई SGST तो मैं अपनी स्टेट में पास करूंगा ना, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, आपने मेरा वैट छीन लिया। वैट का लॉ मैं अपनी स्टेट में बनाता था, उसकी जगह आपने मुझे क्या दिया, SGST। तो भाई मैं अपनी स्टेट में SGST पास करूंगा। तो टोटल है 28 स्टेट, 28 SGST एक्ट्स हैं, 28। हर स्टेट का अपना SGST, लेकिन उन हर स्टेट पर एक कॉमन CGST। आप समझ रहे हो, अब आपकी लिंकिंग चली। अब रिस्पेक्टिव स्टेट, तो टेक्निकली 28 एक्ट्स, 3 यूनियन टेरिटरी स्टेट जैसी है सर। तो भाई साहब 3 SGST जैसे ही एक्ट होते, आप 31 कह सकते हो इसको, 31 यहां पे आप लिख सकते हैं, ये दोनों मिलाकर 31 SGST। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। सर कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं
जो कि बिल्कुल सेंटर के अंडर है। हाँ सर, इनके लिए तो एक ही लॉ बनेगा ना, और उसको बोला जाता है बेटा UTGST। तो प्लीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा UTGST। UTGST का एक ही एक्ट है, किसने बनाया होगा? सेंटर ने। सेंटर किसी स्टेट में जाके बनाती है क्या? नहीं सर, पार्लियामेंट में जाके बनाती है सर। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक्ट पूरे इंडिया पे नहीं लग रहा है, ये सिर्फ इन यूनियन टेरिटरीज पर लग रहा है, बट पास पार्लियामेंट में होगा क्योंकि सेंटर पास कर रही है सर। देन एक है सर हमारा कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स क्या होता है सर? कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट एक नया निकाला गया था, जो किसलिए निकाला गया था? क्योंकि स्टेट्स घबराई हुई थी सर। स्टेट्स का कहना था कि आप हमारे से हमारा वैट छीन रहे हो, और आप बोल रहे हो कि SGST का रेवेन्यू आएगा, बट हमें डर लग रहा है। तो अगर हमारा वैट का रेवेन्यू 10,000 करोड़ है, और अगर 8,000 करोड़ आया SGST, तो 2,000 करोड़ का तो नुकसान हो गया। सेंटर ने बोला मैं दूंगी ना तुम्हें, कॉम्पेंसेट करूंगी, तुम्हारा जितना वैट का रेवेन्यू आता है 5 साल तक गारंटी देता हूँ, ये लॉ में लिखी हुई है। 5 साल तक सेंटर ने गारंटी दी है कि तुमको देंगे जी पैसा। तो इसके ऊपर एक एक्ट बना हुआ है, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ये किसने पास करा है सर? सेंटर ने, और ये पास हुआ है आपका पार्लियामेंट में। कुल मिलाकर कितने एक्ट हो गए सर? 35। सर एक बार फिर से बता दो बेटा, सिंपल सी बात है, 28 स्टेट हैं तो 28 SGST। एक बार बोलो एनर्जी से, 28 स्टेट हैं तो 28 SGST अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में। हाँ सर, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये तो एकदम स्टेट जैसे चल रही है, तो 3 SGST और, तो 28 + 3 = 31 SGST, 31 acts। इसका क्या हो गया? एक UTGST, एक ही होगा क्योंकि ये सारा का सारा सेंटर के अंडर ये एरिया आता है। चंडीगढ़ इज अंडर दी गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो एक ही एक्ट डला बेटा, UTGST। ये किसने पास करा होगा सर? किसी स्टेट में तो है नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेचर में तो जाएगा नहीं, तो किसने पास करा होगा बेटा? सेंटर ने। कहाँ पास करा होगा? पार्लियामेंट में। इसके अलावा क्या बचा? CGST। भाई पूरे इंडिया में बेचोगे, कहीं भी दुकान खोल लो CGST तो लगेगा ही ना भाई। मैं एक स्टेट में हूँ, आधा उसको जाएगा और आधा तो सेंटर का ही है ना भाई। और कौन सा रह गया सर? IGST, सेंटर कॉम्पनसेशन सेंटर, टोटल एक्ट 35। आई होप आपको क्लियर है। अब आई होप आपको स्ट्रक्चर ढांचा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से कहानी चल रही है। आइए, सर आपसे मैंने कुछ प्री GST एरर डिस्कस करा था, और मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ सर। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी आगे जब मैं बोलूँगा रेलेवेंस होगा। ये बातें मैं कर रहा हूँ बेटा पहले एक्साइज ड्यूटी के बारे में, ज़्यादातर मुझे एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करनी। आपको पता है एक्साइज ड्यूटी ना, इसको ऐसे ना बना कर ना, ऐसा करता हूँ एक्साइज ड्यूटी की ही बात कर लेता हूँ सिर्फ। आपको पता है बच्चे, एक्साइज ड्यूटी जो थी
वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती थी और वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेती। मतलब सर एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो तो सेंटर भी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है और स्टेट भी? नहीं बेटा, कुछ चीज़ों को आप मैन्युफैक्चर करते थे तो सेंटर लगाती थी, कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे स्टेट लगाती थी। जैसे कि ये प्री जीएसटी है मेरे भाई, प्री जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल गुड्स अगर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। लेकिन बेटा ऑल गुड्स में ना एक चीज हटा दी गई थी, दो चीजें, एक्सेप्ट ए एंड बी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मैंने वहां पे अच्छे से लिखा हुआ है तो मैं आपका एक बेस बना रहा हूं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि सर बियर, विस्की, वॉडका, ये सारी चीजें बाहर थी। यानी कि अगर कोई बियर मैन्युफैक्चर करता था, वॉडका मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरी तो होती है, ये ऐसी कुछ भी डाल के दे दिया जाता है, सर मशीनरी लगी होगी सर, ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चर करता था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती तो थी, लेकिन सेंटर नहीं लेती थी सर, कौन लेता था? स्टेट। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओ सर मानना पड़ेगा सर। मतलब कि अगर कोई अल्कोहल मैन्युफैक्चर करे तो एक्साइज ड्यूटी तो थी, और आपने फर्स्ट क्लास में बोला था कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर की होती है, बट अल्कोहल के केस में स्टेट कमेंट करे नहीं होता। हाँ सर, ठीक है। उसके अलावा ओपियम, इंडियन हेम्प, HAMP, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, इसको भी अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो भाई सेंटर के पास नहीं होता था, ये भी किसके पास आ जाता था? स्टेट के पास। ठीक है जनाब? हाँ सर, समझ आया सर। तो पहली बात तो ये हुई, अब समझना, आपको सिर्फ समझना है, आपको ये चीजें याद नहीं करनी, हमारे कंटेंट में नहीं है ये। अब आपको ये समझना है सर, ऐसे तो सर डिकोड है, डिकोड के अंदर भी, डिकोड होता है ना सर कफ सिर्फ, डिकोड के अंदर भी सर अल्कोहल होता है। तो इसका मतलब अब अगर कोई दवाई मैन्युफैक्चर करेगा तो क्योंकि उसमें अल्कोहल है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, तो क्या वो भी क्योंकि ये बाहर गया है तो सारी दवाइयां भी बाहर चली जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, बियर, विस्की, वोडका, इस कैटेगरी के, समझ रहे हो? सारे नाम मत लिखवाओ मेरे से, ठीक है? चलिए हटा भी देता हूं मैं, शोभा नहीं देता ये सारी बातें लिखना ना। दुष्यंत सर को तो देता है, मुझे नहीं देता बेटा ये बात तो शोभा, ठीक है। आइए, तो कुल मिलाकर इंडिया के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चर करो तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन दो चीजों पे सेंटर नहीं लेती थी, स्टेट लेती थी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। सर ये क्या होता है बेटे? ये भी नशीली पदार्थ होते हैं बेटे, ठीक है, तो वो स्टेट पे चला गया। आइए अब पढ़ते हैं सर। अच्छा एक और चीज बोलनी है इसमें, ये तो बात हो गई जी मैन्युफैक्चर की, और जब इन्हीं को बेटा, जब आप बेचते हो तो क्या लगता था जी? वैट लगता था। हे, बेचने पे तो वैट ही लगेगा ना। पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी, बेचोगे तो वैट,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आइए अब मैं देखता हूँ मैंने फोटो में क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आता हूँ। बेटा जीएसटी जो है गुड्स के ऊपर लगता है जी। सर सर्विसेज के ऊपर भी लगता है। हाँ अभी दिमाग में डालो गुड्स, यानी कि अगर मैं गुड्स की सप्लाई करता हूँ, अगर मैं गुड्स की सप्लाई करता हूँ तो जीएसटी लगता है। अब मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसको जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो मैंने आपको क्या बताया एक्साइज ड्यूटी लगती है स्टेट की, और सेल क्या लगता है वैट का। बेटे आज भी यही पोजीशन है, यानी कि मेरे भाई जब तुम अल्कोहलिक लिकर को मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्साइज ड्यूटी लगती है स्टेट वाली। सर बट एक्साइज ड्यूटी तो हट गई थी। नहीं हटे बेटे, ये वाली एक्साइज ड्यूटी हटी है, ये आज भी जिंदा है। स्टेट्स ने बोला हम नहीं छोड़ते इसको। जैसे अभी आपने देखा कोरोना के अंदर सबसे पहले क्या खुला था, लिकर शॉप खुल गई थी भाई। भाई रेवेन्यू चाहिए यार। स्टेट्स कहती हैं जी हमारी स्टेट में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ये, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का अधिकार हम नहीं छोड़ते जीएसटी पे। हाथ खड़े करवा लो, हम नहीं आने देंगे जीएसटी अगर ये छुड़वाओगे तो। तो आज भी जब किसी ना किसी स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रही है तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। आज भी जब अल्कोहलिक लिकर बिकती है तो वैट लगता है बेटा, जीएसटी नहीं। आप कह सकते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जब तुम बेचते हो तो एक्साइज ड्यूटी, सेल वैट, जीएसटी कहाँ है सर? अगर आज कोई लिकर बेच रहा है तो क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन है? कोई इम्प्लीकेशन, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। आइए इसके बाद 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अभी आप लेके चलो पेट्रोल, हम जो पेट्रोल भरवाते हैं वो अगर आप उनको मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्साइज ड्यूटी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये कैसे कह सकते हो? देख लो भाई, क्या यहाँ से बाहर करे थे क्या मैंने पेट्रोल? बाहर करा मैंने यहाँ से? नहीं। तो इसका मतलब जब मैं पेट्रोल मैन्युफैक्चर करता हूँगा तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी मिलती होगी? मिलती होगी। सर बट आप तो कह रहे हो ये हट गया है। बेटे ये सब पे हट गया बट पेट्रोल पर आज भी जिंदा है। आज जब पेट्रोल मैन्युफैक्चर किया जाता है तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, बट एक्साइज ड्यूटी तो हट गई है बेटे, सब पे हट गई है। लेकिन आप याद कर लो ना, पेट्रोल पे नहीं हटी और लिकर पे नहीं हटी, बस सब पे हट गई है साहब, सब पर हट गई है। पेट्रोल और लिकर, पेट्रोल और लिकर, पेट्रोल और लिकर, पेट्रोल और लिकर, पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, लिकर पे स्टेट। और आज भी जब आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो ना सर, बिल देखो कभी जिंदगी में, कुछ ध्यान रखो जीएसटी ना लगा होता भाई, वैट लगा हो गया, वैट लगा होता उसमें। समझ गए सर? मतलब आज भी इन दो चीजों पर जैसा पुराना चलता था वैसा चलता है, जैसा चलता आ रहा था वैसा ही है। जीएसटी के आने पर इनमें कोई बदलाव नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। देन अदर गुड्स, इसके अलावा बाकी सारे गुड्स, उसमें क्या आ गया? टोबैको। टोबैको अलग क्यों सर? स्पेशल बात है, टोबैको पे बेटा आज भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है। सर एक्साइज ड्यूटी हट गया? नहीं हटाना बेटे, लेटेस्ट पोजीशन लिखवा रहा हूँ मैं ये अब जीएसटी के अंदर की बात हो रही है आपसे, कि अगर आप टोबैको को मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, अगर बेचोगे तो जीएसटी। तो कह सकता हूँ टोबैको ऐसी चीज़ है जिस पे थोड़ा सा बहुत चेंज हुआ है, पुराना भी चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे और बेचने पे जीएसटी, और अदर गुड्स पर सिंपल मैन्युफैक्चर पे तो नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा एसी, टीवी, फ्रिज, रोटी, कपड़ा, ठीक है कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग बंद, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बंद, और बेचोगे तो जीएसटी। क्लियर है सर? नोट क्या है बेटो? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड सर याद रखें, बिल्कुल याद रखें, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट,
नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और इम्पॉर्टेंट बात, दीज वुड बी कवर्ड अंडर जीएसटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ऐसा नहीं है कि ये पांच प्रोडक्ट बचे रहेंगे, जीएसटी काउंसिल ने बोला है। जीएसटी काउंसिल क्या होती है सर? जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है, प्रेसिडेंट ने उसको फॉर्म करा है, रीड करेंगे थ्योरेटिकली। तो जीएसटी काउंसिल जब बोलेगी कि जी बंद करो इसको, तो कर देंगे, बंद करो वैट को, जीएसटी लगाओ सिर्फ, कर देंगे सर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर पुराना सिस्टम चल रहा है। आई होप बच्चों को ये क्लियर है, क्लियर है भाई? तो सर आपका ये सारा का सारा मैंने डिस्कस कर लिया है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है अभी कि हम इसको थोड़ा सा रीड करें, जहाँ जहाँ रेलिवेंट बातें लिखी हैं मैं आपको बताता जाऊँ। चलिए शुरू से देखेंगे बेटा। सर क्या हम मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं? बेटा पढ़ सकते हो, जैसा कि मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मेरे से बच्चे जीएसटी जो पढ़ रहे हैं अभी, सीए के भी होंगे, सीएस के भी होंगे, सीएमए के भी होंगे। पहली बात, आप तीनों बच्चों के लिए, तीनों कैटेगरीज ऑफ बच्चों के लिए आपका मॉड्यूल बहुत 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 सर्वश्रेष्ठ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? पढ़ाने के एंगल से मैं आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा दूंगा, आप यहाँ से पढ़िए, अच्छी लैंग्वेज दी हुई है। उसके बाद आप इसको रीड कर लीजिए अपने मॉड्यूल से और अपने मॉड्यूल पर स्विच हो जाइए, देयर इज नो हार्म। जीएसटी इतना छोटा है कि आप एक बार यहाँ से पढ़कर उसके बाद अपने मॉड्यूल से कर सकते हैं सर। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो आप क्या कर लो, मेरी क्लास पूरी सुन ली आपने, सीधा अपना मॉड्यूल उठा लो और कर लो फिर, ठीक है? ऐसा भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपना मॉड्यूल मत छोड़ना बस, ठीक है? आइए सर, आप हमारे सीएस के मॉड्यूल से करा दो, सीएमए के मॉड्यूल से करवा दो। बेटा इसके अंदर ज्यादा बेटर लैंग्वेज लिखी हुई है, आई एम नॉट सेइंग कि वो मॉड्यूल अच्छे नहीं है, बट थोड़ा सा मेरा भी हैंड इस पर ज़्यादा बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन लेवल पे दिया हुआ है, ठीक है? तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है कि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ इस इंटरफेस से, ठीक है? आइए, बैकग्राउंड पढ़ लोगे सर, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना। व्हाट डू यू मीन बाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको मतलब पता है, आप इसको रीड कर लेंगे। दिस इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला तो डायरेक्ट टैक्स है, देखो भाई ने अपने ऊपर वो रखा हुआ है बर्डन, और ये वाला क्या है, शिफ्ट हो गया सर, इनडायरेक्ट टैक्स है। मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक आपका जीएसटी, और आपको जैसा कि पता है कि कस्टम ड्यूटी आज भी जिंदा है, और डायरेक्ट टैक्स में क्या है सर, इनकम टैक्स। बताइए क्लियर है? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, रीडिंग मटीरियल, जेनेसिस ऑफ जीएसटी, भाई साहब हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पूरी बता चुका हूँ, ये सारा पढ़ लोगे आपको एकदम कम्फर्ट है। जीएसटी सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 101, ये सारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, यही जो बातें हमने बनाई हैं। 1 जुलाई को जीएसटी लॉन्च हो गया, 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, वैल्यू एडेड, ये सारी बातें आप पढ़ लोगे। नो कैस्केडिंग, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता सर। डिफिशियंसी इन वैल्यू एडेड, ये सब आप रीड कर लोगे। जीएसटी जो है डुअल जीएसटी मॉडल है, सेंटर भी लगाती है और स्टेट भी लगाती है सर, और यही बातें लिखी हुई हैं इसमें, सारी कर चुका हूँ बेटा मैं आपके साथ बातें। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये सारे यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए हुए हैं,
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आप सिंपल रीड कर लोगे, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला हुआ। इनफैक्ट आप इसको छोड़ दो, चाहे क्लासिफिकेशन को छोड़ दो, कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ दो, लंबी लंबी बातें हैं ये, रजिस्ट्रेशन को छोड़ दो, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट याद करो, जीएसटी के अंदर आपको पता लगा था कि कोई भी क्रेडिट रुकता नहीं था, क्रेडिट मिल जाता था सर, देन ये इलस्ट्रेशन करना जरूरी है। मैंने क्लास वन के अंदर जब आपको करवाया था तो उसी थॉट प्रोसेस से करवाया था, ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना। जीएसटी कॉमन पोर्टल, सर ये जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है ये पढ़ते हैं। बिफोर जीएसटी, अब आपको ना समझ आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं रीड इसलिए करा रहा हूं ताकि आप रिलेट कैसे करोगे। सिंस सेंटर एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड अंडर डिफरेंट लॉज, जीएसटी से पहले सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर का ऑफिस अलग होता था, स्टेट का ऑफिस अलग होता था, कैसे, एक्साइज ड्यूटी का ऑफिस अलग है भाई सेंटर का, स्टेट का वैट वाला अलग है, ठीक है, प्रोसीजर्स फॉर्मेट्स अलग अलग थे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग थे, उनके सिस्टम्स वर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंटीग्रेटिंग देम टू जीएसटी, एक्साइज भी बन वैट भी बन, एक ही आ गया जीएसटी, इंटीग्रेटिंग देम फॉर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन वॉज अ कॉम्प्लेक्स सिंस इट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, integrating the entire indirect tax ecosystem so as to bring all tax administration center state union territory to same level of IT maturity uniform formats interface and other external stakeholders, theek hai, besides GST being a destination based tax interstate trade needed a robust settlement mechanism, मैंने आपको बताया था एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब गुड्स आते थे तो जिस भी स्टेट के पास कुछ टैक्स पड़ा होता था वो डेस्टिनेशन स्टेट को दे देता था सर, among the state and center a common portal was needed, बॉक्स में कर लीजिए common portal was needed could act as a clearing house and verify the claims and inform the respective government to transfer the fund, this was possible only with the help of strong IT infrastructure and जो आपका कौन सा वेबसाइट पर है, जीएसटी कॉमन इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल gst.com, सर क्लिक करेंगे इस पे तो नॉट फाइंड आ गया, तो नेट नहीं चल रहा अभी मेरे यहाँ पर, ओहो क्यों करा मैंने क्लिक, तो जीएसटी कॉमन पोर्टल आपका ये वेबसाइट है, मैनेज्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर टैक्स पेयर एंड कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको टैक्स पेयर भी जिसको यूज करता है, सेंटर भी यूज करती है, स्टेट भी यूज करती है, क्लियर है, आइए इसके अलावा सर आप ये पढ़ लोगे ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। एक चीज मैं आपको रीडिंग करने के लिए दूंगा, जीएसपी एंड एएसपी, ठीक है, ये सुविधा प्रोवाइडर्स हैं। देखो GSTN has selected certain IT, ITF, financial technology company to be called as GST Suvidha Provider. ये help करते हैं आपको queries, अगर आपकी general queries हैं तो वो ये help करते हैं, ठीक है। GST compensation says, इसको मैं suggest करूँगा बच्चों को, अगर आप इसको गिरीश और सर की बुक से पढ़ लोगे तो उसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, और उसमें बेसिकली क्या है, सरकार ने बोला है कि जी स्टेट तुम टेंशन मत लो यार, तुम्हारा जो भी नुकसान होगा देखेंगे ना, और काउंटर सरकार ने क्या करा, कुछ गुड्स के ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस लगा दिया भाई साहब, सर कैसे लगाया है देखते हैं, अ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेस एक्ट
ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स। आपको मैंने इसकी हिस्ट्री बताई थी ना, सेंटर कहती है स्टेट को यार वैट छोड़ो ना, SGST लाओ। उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ तो मैंने हम देंगे ना कॉम्पनसेशन तुमको, और फिर सेंटर ने बैक एंड पे क्या करा, कुछ गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया। कौन सा सर? कॉम्पनसेशन सेस। किन चीजों पे? लग्जरी आइटम्स, पान मसाला, टोबेको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार एक्सेट्रा, कमिटो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कॉम्पनसेशन सेस जो है, चाहे आप इंट्रास्टेट करो चाहे आप इंटरस्टेट करो, लगेगा ही लगेगा सर। टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू राइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST। क्लियर है सर? ये बात कर चुका हूँ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, टोबैको की, रियल एस्टेट सेक्टर GST से बाहर है, रियल एस्टेट क्योंकि इमूवेबल भी है, हालांकि इसके बारे में बाद में बात करूँगा। टैक्सेस सब्स्यूम्ड, कौन कौन से टैक्सेस बंद हो गए, ये लिस्ट दी हुई है, आप याद कर लेंगे इसको। ये वही समरी दी हुई है सर टोबैको और इसकी। बेनिफिट्स ऑफ GST, सिंपल रीडिंग मटीरियल, दिस इज सिंपल रीडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 265, 245, 246, ये एंट्रीज दी हुई है सर यूनियन लिस्ट, 101 अमेंडमेंट, आर्टिकल 246A मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 246A क्या बोल रहा है सर? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर have the power to make law with respect to goods and service tax imposed by union or state, and parliament has exclusive power for interstate trade or commerce. इसी तरीके से आप 269A पढ़ लेंगे। मेन कंक्लूजन क्या है? IGST की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन आर्टिकल 366(12A) ये डिफाइन करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, या पढ़ सकते हो इसमें। देखो, the term goods and service tax have been defined under respective clause of article 366. वो क्या बोलता है? tax on supply। GST क्या है? GST एक tax है supply पर, किस चीज के? goods और service और both, except tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। भाई साहब, constitution में ही लिख दिया गया कि alcoholic liquor को हाथ नहीं लगाएंगे। सर पेट्रोल नहीं लिखा, याद करो पेट्रोल पे उन्होंने बोला आएगा GST। Consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. Service और ये आपको नहीं पढ़ना। GST Council, Article 279A empowers the President to constitute a joint forum of center and the state. Center और state के high high लोगों को बुलाओ, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ और क्या बनाओ, एक Goods and Service Tax Council, that is called GST Council. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वुड बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। बॉक्स में कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगी हमारी, अभी कौन है सर? निर्मला सीतारमन जी, शी वुड बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। दो बातें और बतानी है। एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल इज टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। बॉक्स में कर लेना, अगर चार लोग हैं तो डिसीजन तब लिया जाएगा जब चार में से तीन लोग की मेजोरिटी होगी। एंड वोट ऑफ सेंटर हैज अ वेट ऑफ 1/3। अब भाई सेंटर का तो एक मान लो और स्टेट के अलग अलग एक एक बंदा, तो सेंटर का वोट 1/3 पावर रखेगा। अगर तीन पार्टियां हैं तो सेंटर इज 1/3 एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर एज 2/3। सेंटर को पावर है 1/3 की और स्टेट की क्यूमुलेटिव पावर कितनी है? 2/3। और यहां आपका चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरा का पूरा समझ आ चुका है। तो बच्चे, अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ।